गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मुस्कान डॉट शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, एक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसका नाम है पनीर वाली मैगी। तो उसमें पनीर डाल के मैं बनाऊँगी पनीर मसाला मैगी। तो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरी तरह ये रेसिपी घर में बनाता है। ठीक है गाइस, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ जो मैं मैगी बनाने वाली हूँ। वो मैगी मतलब यूपी है, मैगी नहीं। तो ये आप सब लोग देख सकते हैं, ये रखती है। ठीक है, तो दो पैकेट बनाने जा रही हूँ मैं और थोड़े मसाले वाली बना रही हूँ। इसलिए ये आप दिखा सकती हूँ, ये टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन और प्याज। ठीक है, तो आपको सारा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। दो मैगी मैं बना रही हूँ, इस वजह से इसमें मैं दो टमाटो डालूँगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दो टमाटो और ये दो लहसुन है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। लहसुन गर्म होता है इसलिए लहसुन कम डालना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। तो और बाकी एक प्याज डाल रही हूँ, तो और ये मटर है जो कि सफल मटर है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आप लोग ट्राई करेंगे तो मिल जाएगी, नहीं मिलती है अगर आप लोग घर में कच्ची मटर ला के बॉयल करो तो भी हो जाएगा। ठीक है, और ये पनीर है जो कि मैं अभी बिल्कुल फ्रीज से निकाल कर लेकर आ रही हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब हम जब तक मसाला रेडी करते हैं काट के, ठीक है, मसाला रेडी करते हैं काट के, तो फिर मैं आपके साथ सब पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में जब तक मैं मसाला कट, ये मसाला मतलब प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन वगैरह ये मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मसाला मेरा कट के रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, ये प्याज है, ये टमाटर है, यहाँ पे दो जवा उसके लहसुन के थे वो मैंने काट दिए हैं, साइड में मिर्च है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पनीर है, पनीर मैंने थोड़ा सा लिया है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पनीर नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे दूध ही नहीं पसंद है और आता भी दूध से ही है, मुझे स्मेल से आती है। लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ और अगर खाऊँगी तो खैर मैं ही, लेकिन ठीक है, मम्मी खा लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ कट चुका है। तो मटर तो खैर, मटर क्या है, उसको तो मैं पॉलीथीन से ही डाल लूँगी। तो ठीक है, तब तक हम लोग गैस चालू कर दें और फ्राई पैन ले लेती हूँ। फ्राई पैन मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये मैंने गैस चालू कर दी है, फ्राई पैन रख दिया है और ये है ऑयल। मतलब आपको मैंने फर्स्ट व्लॉग में भी बताया था, ये मैं डाल रही हूँ सफोला। ये बहुत लाइटली होता है, मतलब अच्छा रहता है, कभी स्मेल भी नहीं देता है। ये कुछ भी आप कुछ किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, स्मेल नहीं देता। अगर आप कुछ भी ऐसी ऑयल वाली चीज़ बना रहे हैं उसमें ये डालिए, काफ़ी अच्छा होता है। बाकी घर में जिसके भी जो भी अवेलेबल हो, जैसे फॉर्चून वगैरह रिफाइंड है ना, जो भी आप लोग खाते हो वही। तो शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, अभी देखूँगी अपने हाथ से डालूँगी, क्योंकि प्रॉपर तेल में तो नहीं बनेगी। थोड़ा दिखाती हूँ मैं आपको सारी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तब तक हम लोग इस मैं इन पैकेटो को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो दिखाती हूँ मैं आपको ओपन करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैगी ओपन करूँगी, तो ये मैंने मैगी ओपन कर ली है। और आपको मैगी ना ऐसे खोल के ओपन करके ऐसे नहीं डालनी, क्योंकि ये बहुत लंबी, मतलब ऐसे खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने इसमें क्या किया है, थोड़ा सा मैंने हाथों से उसका थोड़ा सा चूर चूर सा कर लिया है। और ये मैगी मसाले पैकेट जो कि दो हैं, तो अब मैं ऑयल डालती हूँ। ठीक है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगा शायद ये ऑयल ज़्यादा होगा, लेकिन ठीक है, कटोरी में देख के ऐसा लग रहा था जैसे शायद ज़्यादा होगा।
फिलहाल तो ठीक रहता है, मैंने निकाला भी उतना ही था, तो आपको दिखाती रहती हूँ। तो गाइज मैंने तो इसे लहसुन मतलब कट करके डाला है, आप लोग चाहो तो उसको मतलब पीस के भी डाल सकते हैं या फिर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, ऐसा भी आप लोग अपना टेस्ट अनुसार जो भी ठीक लगता है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं तो दो लहसुन दो जवा के मैंने कट कर लिए हैं, किसका टेस्ट मुझे लहसुन और प्याज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बगैर तो मैं सब्जी भी नहीं खाती हूँ, तो शेयर करती हूँ। ठीक है, वापस हमें ये देखना है कि ये गरम, अब ये काफ़ी गरम हो चुका है तेल, तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो बने रहिए, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो गाइस अब तेल जो है वो काफ़ी गरम हो चुका है, गैस भी बंद ही कर देती हूँ, काफ़ी धुआं निकलने लग गया है इसमें, तो आपको दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, तो अब हमने इसमें जीरा डाल दिया है, गैस बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी तो मैंने अभी मंदी की है गैस, और तो गाइस अब इसमें हम डालते हैं लहसुन। ठीक है, जो मैंने अभी कट किया था तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जीरे के बाद हमने डाला है इसमें लहसुन, जो देख सकते हैं थोड़ी सी गैस हम लोग थोड़ी तेज कर देते हैं, तो ज़्यादा ही मैंने मंदी कर दी गैस, सॉरी गाइस। तो गाइस अब हम डालते हैं इसमें प्याज। ठीक है गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने आप जीरा और लहसुन के बाद मैंने थोड़ा सा प्याज में डाल दिया है, तो प्याज आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, हल्का ऑरेंज ही रखना है। तो थोड़ी सी गैस में थोड़ी मीडियम पे कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो कर दी थी मैंने, तो गैस अभी प्याज जब तक ऑरेंज होता है तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। ठीक है गाइस, तो कुछ ले लूँ चलाने के लिए, मर गई। तो गाइस अब हम ले लेते हैं ये, ठीक है, इससे हम लोग चलाएंगे इसको, तो थोड़ी सी गैस मीडियम कर देती हूँ मैं। तो गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा कि घर में अपने अपने घर में कौन मेरी तरह यही रेसिपी बनाता है। ठीक है, वैसे तो सबके तरीके अलग होते हैं गाइस, आप लोग बहुत सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे कि वैसे तो आप लोग देख सकते हैं कि यिप्पी जो होती है, यिप्पी के मसाले में क्या होता है, सब कुछ पड़ा होता है, तो इसमें ज़रूरत तो पड़ती नहीं है कुछ डालने के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे मैंने थोड़ा सा इसको सब्जी वाला लुक दिया है, थोड़ा सा जैसे पनीर वगैरह डाल दी हूँ, उस हिसाब से इसमें प्याज वगैरह टमाटर सब डालूंगी। आप लोग चाहो तो ना प्याज डाल, आप प्याज आप चाहे तो डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, और टमाटर भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यूपी के मसाले में क्या होता है, उसमें सब कुछ अवेलेबल होता है, छोटे छोटे कटा हुआ सब कुछ पड़ा होता है, लेकिन फिर भी मैं डाल रही हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप चाहो तो सिर्फ पनीर डाल के भी मैगी बना सकते हैं, जीरा वगैरह पनीर वगैरह थोड़ा सा नमक डाल के आप रेसिपी, अब जब कभी थर्ड में ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सिंपल रेसिपी का, पनीर मैगी का। ठीक है, तो गाइस हम लोग डाल देते हैं इसमें, गाइस आप लोग देख सकते हैं, आप वीडियो बनाने के चक्कर में पता भी नहीं चला, मुझे तो वैसे ब्लैक तो नहीं हुआ है प्याज, लेकिन हाँ थोड़ा सा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, बुरा नहीं लगेगा, इतना हो गया बस। ठीक है गाइस, तो मैं आपको और दिखाती रहती हूँ, जैसा कि मैंने कुछ बताया था कि मैंने जो सामान कट करा था अभी तक वो प्लेट देखो खाली हो चुकी है, तो मैं सब कुछ डाल दिया है, और आप जो भी डालूँगी मैं आपके साथ और पूरी रेसिपी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो टमाटर है मेरा मतलब गटने गल चुका है, तो हम अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार, अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के बराबर डाल सकते हैं, तो मैं अपने टेस्ट के अनुसार ही डाल रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
है। थोड़ी सी आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप हरी मिर्च से ही बनाइए, या तो ज़रूरत भी नहीं है ऐसे कुछ डालने की, क्योंकि यप्पी मसाले में सब कुछ पड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छी लगती है ना स्पाइसी, तो इसीलिए थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी इसमें, लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया और नमक डाल दिया। फिर गाइस तो अभी हम इसमें डालते हैं, गाइस हम इसमें डालते हैं मटर, ठीक है। तो मैंने डाली है मटर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मटर डाली है। तो हम इसमें डालते हैं लोग पनीर, ओके। आप लोग तो गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैगी बना रही है या पनीर की भुजी बना रही हूँ, भुजिया, तो गाइस ऐसा नहीं है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। फिर भी एक बार अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें, कि आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत टेस्टी लगेगी, और आप सबके घरों में जो बच्चे होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है गाइस। तो अब हम इसमें डालते हैं, अब हम इसमें से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, क्योंकि पानी नहीं डालेंगे तो मैगी जलेगी कैसे, ठीक है, बॉईल नहीं हो पाएगी मैगी, तो मैगी बॉईल होना बहुत ज़रूरी है, बॉईल होगी तभी जो टेस्ट आएगा, उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको खाती हूँ। तो गाइस मैंने पानी ले लिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, ठीक है गाइस। मुझे लगता है पानी थोड़ा सा कम है, तो मैंने भी एक गिलास पानी यूज़ किया था, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि मेरे दो यूपी के पैकेट हैं, तो अगर आप लोग एक बनाते हैं तो इतना पानी बहुत होगा एक गिलास, बाकी मैंने दो बनाए हैं तो इसमें दो गिलास तो नहीं डालूंगी, लेकिन मुझे हाँ इसमें आधा गिलास पानी मुझे और चाहिए, तो मैं अभी आपको और दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने अभी आधी गिलास पानी और ले लिया, आप देखो आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें मैं दोबारा से ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो गाइस थोड़ी सी गैस जो है मैं थोड़ी तेज कर देती हूँ, ज़्यादा ही स्लो हो गई थी कि पानी बॉईल कैसे होगा, तो थोड़ी सी मैंने तेज कर दी है गैस। तो गाइस अभी जब पानी बॉईल हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे मैगी, ठीक है, उसके बाद आपकी रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। तो जो भी है मैं आपको दिखाती रहूँगी। हाँ गाइस जब मैगी डालूंगी ना, जब वो बॉईल हो जाएगी तो हम इसके ऊपर डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला आप ऊपर से डालोगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर अच्छा आता है, नहीं तो आप पहले डाल दोगे तो फ्लेवर अच्छा नहीं आता। और गाइस जो भी मैंने इसमें डाला है, मैंने इसमें हल्दी का यूज़ नहीं करा है, हल्दी से क्या है मैगी में सब्जी जैसा टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने हल्दी का यूज़ नहीं करा है, वो ऑलरेडी खुद ही अपने आप जब ये मसाला यूज़ करूँगी ना, वो अपना रंग, वैसे भी यप्पी तो रेड रेड हो जाती है, तो अपना खुद ही को कलर इतना प्यारा सा देगी कि आपको हल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्दी से क्या होता है सब्जी ऐसा टेस्ट आता है, तो मैंने इसलिए हल्दी यूज़ नहीं करी है, तो आप भी ऐड मत करना। बाकी अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी करना, क्योंकि बहुत गंदा फ्लेवर आता है हल्दी से, ठीक है गाइस। तो जब तक पानी बॉयल होगा उसके बाद हम ये डालेंगे मैगी, तो अपन मेरे ब्लॉग में जैसा भी होगा मैं आप सबसे शेयर करती रहूँगी, ठीक है गाइस। तो गाइस हम इसको थोड़ा सा फ्राई पैन को ढक देते हैं ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ढक दिया है, अब ये थोड़ी बहुत देर में बनके रेडी हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो मैं आपके साथ दोबारा से मतलब सब शेयर करती रहूँगी, ठीक है गाइस। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको मैं दिखाती रहूँगी, ठीक है गाइस। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब ये पानी देखो बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे, ठीक है गाइस। तो आप देखते रहिए, अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे, आप लोग देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है ये बनने के बाद, और भी अच्छी लगने वाली है, ये टेस्टी लगेगी। आप लोग भी घर में गाइस ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे मतलब मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आपके घर के बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों के लिए चाहें तो मिर्च कम यूज़ करना, लेकिन बनाइएगा ज़रूर ऐसी, ये बहुत ही यम्मी बनी है, आप लोग देख सकते हैं, आपको अच्छे से भी दिखा देती हूँ, ठीक है गाइस। तो
तो गाइज मैंने अब इसमें मैगी ऐड कर दिया, तुम जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। और हम इसको थोड़ी देर के लिए अब हम इसको कर देंगे, ढक देंगे, ठीक है गाइज। जब पूरा नहीं ढकना है क्योंकि बॉईल होके क्या इसका पानी जो है ऊपर को आ जाएगा। तो आपको हल्का सा बिल्कुल खुला रखना है। तो लोग देख सकते हैं कि मैंने वो ढक दिया है, ठीक है गाइज। तो जैसे ही अब मैगी पक जाएगी तो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाले का टेस्ट जब ही आता है जब मैगी मसाला ऊपर से पड़ता है, ठीक है गाइज। तो जब तक आपको दिखाती रहती हूँ मैं। वैसे गाइज मैंने आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं मतलब कुकिंग की रेसिपी नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। तो मैं आज मतलब मैगी बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ कि मतलब मैं ऐसे बना रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो जैसा भी है गाइज, अभी मेरा क्या है बहुत ज़्यादा व्लॉग तो मैं नहीं बना पाई हूँ, ना मैं बनाती हूँ। तो जैसा भी है छोटे छोटे व्लॉग मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइज आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइज, और कमेंट करिए। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है गाइज। मैं सपोर्ट के लिए ही मैं पूरा ये ब्लॉग बना रही हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, ठीक है गाइज। और अच्छी लगे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मैगी में क्या कमी रह रही है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी दिख रही है उसका भी मुझे बताइएगा कि आपको बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है गाइज। तो बने रहिए, अभी मैगी बनी नहीं है, तो बनने के बाद मैं आपको प्रॉपर पूरा दिखाती हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज मैगी अभी मतलब बनी नहीं है, तो इसमें क्या है आपको थोड़ा सा मैगी बनने से पहले आपको थोड़ा सा इसमें घी यूज़ करना है, घी ऐड करना है, देसी घी, क्योंकि उससे क्या है आपके मैगी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, तो जो कि मैं करने जा रही हूँ, ठीक है गाइज। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं घी डालने जा रही हूँ, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो देख, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा करूँगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ही है, मतलब स्मेल भी ज़्यादा आती है इसमें, थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि फ्लेवर अच्छा आए। तो गाइज मैंने इसमें घी ऐड कर दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा चला लेते हैं, ठीक है गाइज। मुझे तो खुशबू इसकी, मतलब जो खुशबू आ रही है वो इतनी अच्छी आ रही है, मन कर रहा है, मतलब रुका नहीं जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी यम्मी बनी है। बाकी मैं आपको जब बन जाएगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइज मैंने अब ये ढक दिए है, तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5 से 7 मिनट तक, मतलब 5 से 7 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी तो इसमें मैगी मसाला भी ऐड करना है, तो अभी 1 सेकंड में या 2 सेकंड में मैं इसमें यूज़ करती हूँ। अभी एक साथ नहीं डाल सकती क्योंकि फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अब ये मैं जब ही डालूँगी जब थोड़ा मतलब प्रॉपर बन जाएगी तब, ठीक है गाइज। तो गाइज अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं, ठीक है गाइज। तो आप देखते रहिए, इसे मैगी मसाला नहीं डाला था इसलिए थोड़ी सी ये वाइट हो रही थी, लेकिन अब ये अपना रियल कलर देगी। आपको मैं सब दिखाती रहूँगी, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको आपसे सब शेयर करती रहूँगी, ठीक है भाई। हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। अब ये वैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें कितना पानी ऐड करा था, लेकिन ये अब जैसे ही बनती जा रही है उतना ही ये थोड़ा मतलब ड्राई होती जा रही है, क्योंकि ये मुझे ड्राई ही बनानी थी, ठीक है गाइस। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, तो जैसे बन के रेडी होती है मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो गाइस मैगी बन के अब रेडी हो चुकी है, मैंने अभी गैस बंद नहीं की है, तो मैं आपके सामने ही बंद करूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। तो ये हमने बंद कर दिया है, तो और मैगी बन के हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है गाइस। तो अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। तो देखिए गाइस अब मैं इसको करूँगी सर्व, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यम्मी बनी है। तो अब हम इसको प्लेट में सर्व कर रहे हैं, तो गाइस मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि फ़ोन जो है वो मुझे ही पकड़ना पड़ रहा है, कहीं जगह भी नहीं है रखने की, ठीक है गाइस। तो बने रही ब्लॉग में, और मैं आपको सर्व करके प्लेट में तब दिखाती हूँ।
तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी प्लेट में मैगी, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरी मैगी बनके हो चुकी है रेडी। तो आप सब ज़रूर बताना कि आप सबको मेरी रेसिपी कितनी पसंद आई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, ओके। तो गाइज़ अगर मेरी मैगी आपको पसंद आती है तो आप मुझे मतलब नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना वो क्या है, कि अभी मैंने आपको सिर्फ मैगी दिखाई थी तो मैंने तब बोल दिया था, तो मुझे लगा शायद मुझे सामने आके ही बोलना चाहिए, तो आप मतलब नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तो बने रहिए।